मैं उसी को आगे मूव कर रहा, ठीक है। राम एंड श्याम हैज एजेस 2:3, तो हम उसको क्या लिखते हैं बच्चे, लेट द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 2x एंड 3x। ऐसा क्यों करता हूं बच्चे, ऑलवेज बिकॉज अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो x एंड x पोर्शन कैंसल, तो ये 2:3 में ही रहेगा, तो आपने ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए क्या होगा, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, राम एंड श्याम हैज एजेस विच आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज 100। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लेट राम हैज एज 2x एंड श्याम हैज एज 3x एंड देयर सम इज 100। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, 5x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 20, पुट द वैल्यू ऑफ 20 हियर, तो यू विल गेट 40:60, यानी राम की एज 40 होगी और श्याम की एज क्या होगी, 60 होगी। आई थिंक ये आपके पास एक सिंपल काइंड ऑफ क्या था, क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा। अब एक चीज और देखिएगा इसी में, रेशो में, ठीक। इफ समवन आस्क यू दैट a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 5 and he said what is the ratio of a ratio b ratio c, हमने रेशियो फाइंड आउट करनी। उसने जस्ट आपको क्या दिया हुआ है, a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 5। तो बच्चे इसको नोट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे फर्दर, ठीक। तो वी विल राइट दिस क्वेश्चन एज इक्वल टू के, ए बाय 2 इज इक्वल टू के, बी बाय 3 इज इक्वल टू के एंड सी बाय 5 इज इक्वल टू के। तो वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू 2k, बी इज इक्वल टू 3k एंड सी इज इक्वल टू, चेक करते जाइए क्या हो गया, 5k, 2k, 3k एंड 5k। नोट कीजिएगा आगे क्या आएगा। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, a रेशो b रेशो c, तो ये क्या आएगा, 2k, 3k एंड 5k। अब अगर आप इसको k को कॉमन कर देंगे तो यू विल सिंपली गॉट 2:3:5। क्या हो जाएगा बच्चे, 2:3:5, कोई इशू नहीं है आपके पास आई थिंक। अब इसी क्वेश्चन को एक और वे में, ठीक, तो रेशो सेम होगी। अब रेशो का एक और एग्जांपल देता हूं, इफ ही सेड 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। अब हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशो b रेशो c। बड़ा इंटरेस्टिंग, उसी तरह से ओके, फिर से हम इन तीनों को किसके इक्वल रखेंगे बच्चे, के के, 2a इज इक्वल टू के, 3b इज इक्वल टू के, 5c इज इक्वल टू के एंड वी कैन राइट a इज इक्वल टू के बाई 2, b इज इक्वल टू के बाई 3 एंड c इज इक्वल टू के बाई 5। तो हाउ यू विल राइट a रेशो b रेशो c, तो यू कैन सिंपली राइट k बाई 2 रेशो k बाई 3 रेशो k बाई 4 k बाई 5। अच्छा एक चीज देखिए, अब आप इसमें से k कॉमन कर देंगे तो यू विल गेट 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस रेशो को मैं एक और चीज से कन्वर्ट करूंगा बच्चे, आप किसी भी रेशो को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो व्हाट यू विल गेट, 15:10:6, 1 and the same thing। रेशो कैन बी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी, इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटी, बट इसमें हम ऐड और क्या नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओके। एक हमारे पास क्वेश्चन हुआ था बच्चे,
आपने भी ट्राई किया था पहले वाले क्वेश्चंस में, रेशो वाले में, तो हमने उस क्वेश्चन को ये लिखा था, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी बाई सी इज इक्वल टू 4/5। तो मैं आज इसको कंप्लीट करके बता रहा हूं कि हाउ वी विल सॉल्व इट। एंड ही सेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। याद है ना, हमने कहा था क्या लिख दीजिए, ए रेशो बी ये क्या है 2:3 एंड व्हाट इज बी रेशो सी, दिस इज 4:5। याद है ना, मैंने ऐसे किया था ना। अब व्हाट यू विल डू, इक्वलाइज दीज 2 रेशो, इन दोनों रेशो को इक्वल बना दीजिए। तो दोनों रेशो को इक्वल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 8:12। नीचे वाली रेशो को 3 से करेंगे तो इट बिकम्स 12:50। तो वी कैन राइट 8:12 रेशो 50। ये उसका एक इजी सा क्या है, प्रोपोर्शन है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आइए बच्चे, थोड़ा सा सॉरी इजी सा आपके पास क्या था, दिस वन था। अब एक 8th क्लास में आपने टॉपिक किया था, उसको डिस्कस कर रहा हूं। आप बताएंगे व्हाट इज दिस, कोई भी आप में से एनीबॉडी, व्हाट इज दिस, A proportion A proportional to sign of proportionality, sign of proportional to B, the A is directly proportional to B। और proportions को हम किस तरह से हटाते हैं, A is equal to B के। एंड 8th क्लास में आपने एक ये भी स्टडी किया था बच्चे, इट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम आपके पास रहता है कि A is equal to K times B। अब इनमें क्या होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, A अपॉन B की जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहेगी, और इनवर्सली में क्या होता है, A into B की जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, और बाकी के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे प्रेजेंट एजेस, पास्ट एजेस, समथिंग लाइक दैट। उसमें से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चे, देखिए कैसे, ये 10th क्लास वाले बच्चे इजीली समझ जाएंगे, 9th वाले ट्राई कीजिएगा। एजेस ऑफ रमेश एंड सुरेश, आपने ऐड देखी है रमेश एंड सुरेश वाली चॉकलेट की, ओके तो उन्होंने कहा कि एजेस ऑफ रमेश एंड सुरेश आर 2:3। ओके, 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर, अब देखिए क्या होता है इन क्वेश्चंस में, सिंपली हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ रमेश इज 2x एंड सुरेश इज 3x आफ्टर 4 ईयर। तो 4 ईयर के बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी बच्चे, 2x+4 एंड 3x+4 आफ्टर 4 ईयर। देयर रेशो इज 3/4। अब हमें दिया गया कि उनकी रेशो क्या हो रही है, 3/4। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस, बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्व कीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 8x+16 is equal to 9x+12, got the value of x which is equal to 4। इस x की वैल्यू को यहां पुट अप कीजिए तो यू विल गेट 8 एंड यू विल गेट 12। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी बच्चे, 8 एंड 12। तो हम इसको इसी तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो लीजिए अब हम जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा आपको नए फॉर्मूले। आप सभी ओपन है बच्चे, टेल मी अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन, ओरली बता दीजिए, सॉल्व करने की जरूरत है, ओरली। So 5x plus 12x plus 13x is equal to 180 degree. 5x plus 12x plus 13x is equal to 180 degree. 5x plus 12x plus 13x is equal to 180 degree.
वेरी सिंपल, 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू 180, गॉट द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद जो भी एंगल फाइंड आउट करना है यू विल गेट. कोई डाउट तो नहीं है ना, इजी वन है ना. तो ये तो अभी स्टार्टिंग. क्वेश्चन नंबर टू पे, सॉरी टू तो हो गया, थ्री पे आइए. यस लक्ष्मी, व्हाट इज योर डाउट? यस यस कैरी ऑन. अच्छा आपकी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट ही सेड, दिस इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4x एंड 7x. अच्छा एक चीज आपको मैं बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं. अब ये कह रहा है ना, फोर आपको x उक्स भी करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट गो. रेशियोज का सम कितना है? 11. तो फर्स्ट पार्ट का शेयर कितना होगा? 4 पाई 11 इंटू दिस वन. सॉल्व कीजिए. ओके, सेकंड का शेयर क्या होगा? 7 बाई 11 इंटू दोनों को सॉल्व कीजिए. नाउ आगे चलते हैं, अभी तो क्वेश्चन देखते जाइएगा. डिवाइडेड इंटू ए एंड बी रेशियो, ये इसी रेशियो में डिवाइड हो गया. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ बी? तो आपने क्या करना है बच्चे, एक काम और कर दीजिए. ये ए का शेयर था, इसको सात की साथ ही थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये बी का शेयर था, इसको ट्वाइस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए. जस्ट आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इट विल स्पॉइल योर 2 to 3 मिनट. ओके, तो आपको देखना है कि आप इसको कितना इजिली सॉल्व कर सकते. गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ जी मुकुल, एनी डाउट? वो जो आप सॉल्व करा रहे थे, समझा रहे थे, उनमें डाउट है सर. किस में बोलो? सर वो एक तो रमेश सुरेश वाले क्वेश्चन में आपने सर इक्वल टू 3/4 क्यों रखा? कौन से वाले क्वेश्चन में? रमेश सुरेश की एज वाले में. वो गिवन था बच्चे, क्वेश्चन में गिवन था. अच्छा. कि आफ्टर 4 ईयर देयर रेशियो ऑफ देयर एज इज दिस. हाँ अच्छा एक चीज, वेरी गुड. देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना दिस वन, तो आई थिंक आपके पास 80,000 के अराउंड आना चाहिए. एग्जैक्ट तो नहीं फिगर मेरे को पता, बट 80,000 समथिंग. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने तो रफ सा आइडिया लगाया, ये 93,000 के आसपास हो. सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. हाँ तो व्हेन यू विल फाइंड द डिफरेंस, तो अराउंड 13,000 आ रहा है. नहीं मतलब मैंने एग्जैक्ट नहीं किया, मैं जस्ट रफ सा कर रहा हूं. व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड इट इन एब्सोल्यूट ऑर्डर. अब देखिए एक चीज आपको, सी ऑप्शन, सी ऑप्शंस. ओके गुड. अब देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी भी है, फोर्थ वन. तो आप सबको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है. ओके, व्हाट ही सेड, ए अपॉन बी इज 2:3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब देखिए मैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको करने की कोशिश करूंगा. 5a प्लस बी एंड 3a प्लस 2b. हम इसको कैसे करेंगे बच्चे? डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद बी. जैसे ही आप इसको b के साथ डिवाइड करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 5a अपॉन b प्लस 1 3a अपॉन b प्लस 2. फिल द वैल्यू ऑफ a अपॉन b. चलिए आंसर फिल कीजिए पोल में जल्दी से. व्हाट इज योर ऑप्शन? Thank you.
फ्लोरेंस व्हाट इज योर ऑप्शन बच्चे? Fill in the poll. बच्चे आया नहीं है, हमने इसको पूरे को 20 से डिवाइड कर दिया, वहां से आया है। अब देखिए वैल्यू जब आप फिल करेंगे 5 ए अपॉन बी क्या होगा 2/3 प्लस 1 3 2/3 प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए सर एंड गॉट योर आंसर। यस बच्चे यस बोलिए सर। इसको ऐसे नहीं कर सकते लाइक कॉमन मल्टीपल एज एक्स व्हिच विल बी कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आप सर, ऐसा अगर हम लोग x को भी अगर लेंगे सर देन 2x और 3x हो जाएंगे सर, सो 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से सर, तो वो तो x में आ रहा है ना। नहीं 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 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10x, नेक्स्ट वाला प्लस b है तो b का मतलब क्या हो जाएगा 3x, 3x और नीचे क्या आ जाएगा 3a, 3a मींस 6x प्लस 2b मींस 6x 13:12 हो जाएगा। देखो ऊपर वाला बन जाएगा 13x अपॉन 12x, ओके सर, तो ये 13/12 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड तो इजी होगा देन, ये तो बड़ा मींस हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यू कैन गो विद एनीवन 12/13 आ रहा है। यस चेक योर आंसर 72% ने किया है। सर इसमें जैसे सर ए की वैल्यू सर 2 है तो सर वहाँ पे हम 5 ए की वैल्यू से हम 2 डाल के सर करेंगे तो भी सर आंसर आ जाएगा। सर कैसे सर ए की वैल्यू 2 है सर सर 5 2 10 प्लस 3 से 13 रेशियो सर फिर 3 2 6 प्लस 6 हो जाता फिर सर 13। नहीं बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी इज देयर कि आप ऐसे कर सकते हैं, बट आई थिंक ये एक्स वाला भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इट्स ऑल्सो इजी वन। ठीक आगे मूव करते हैं बच्चे। ठीक कम ऑन टू नेक्स्ट वन, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। थर्टीन रेशियो 12 था बच्चे उसका आंसर, चेक कीजिए पहले वाले को। Come on to sixth one. 80% of the numbers. What he said? 80% of the number is equal to 3/5 of another number. बड़े ध्यान से देखना बच्चे आपने. Very good. Lakshmi, very good. Naksh, very good. चलिए फिर आप ही ट्राई कीजिए, क्वेश्चन इजी है। हेयर इज द एटी परसेंट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 3/5 of another number. तो हमने x upon y find out करता है। आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। What is the ratio between the first and second? First means x and second means y. तो यू विल फाइंड एक्स रेशियो वाई, नॉट वाई रेशियो एक्स। तो बहुत से लोगों ने गलत मार्क कर दिया। देखो 80% ऑफ दिस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 4/5x इज इक्वल टू 3/5y। इसको कैंसिल कीजिए तो यहां चांसेस ऑफ एरर ज्यादा है, x अपॉन y इज इक्वल टू 3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 3/4
एंड चेक कीजिए आप में से कितने कैंडिडेट ने क्या मार्क किया। ऑप्शन बी, पता चला क्या प्रॉब्लम की सबने? जो बी वाले हैं पता चला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यस सविस्तृता सर, मेरा डाउट था कि सर यहाँ पे 80% से 4/5 कैसे हो गया। बच्चे परसेंटेज को हम कैसे चेंज करते हैं, 80/100 ही लिखते हैं ना। यस सर, उसको कैंसिल कर लिया, 4/5 नहीं होगा। सर आंसर क्या है? 3:4 बचे। 3:4 कैसे? ये रहा आपके सामने ही है, देखो 4x is equal to 3y, तो x upon y क्या होगा, 3/4 नहीं होगा। ओके, बट आई थिंक जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया वो कोई बताएगा बच्चे, वाई यू ओपन? 4/3 नहीं आएगा। क्यों? बच्चे ये ध्यान से देखो ना, उसने कहा 80% इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ अनदर नंबर, अनदर मींस दूसरा। सर मैंने स्टेटमेंट को सर मैंने मैथमेटिक फॉर्म में लिखा सर, बाद में व्हेन आई वाज मींस जब शिफ्ट करा था एक्स टू वाई सर, पता नहीं मुझे तो फोर्थ वही आया 4:3। सर जो इसमें इक्वेशन है उसमें पहला नंबर एक्स ले लीजिए, दूसरा नंबर वाई ले लीजिए, तो मैंने अभी क्या लिया था, फर्स्ट नंबर हमने 3:4 है। बच्चे ये देखिए, फर्स्ट नंबर मैंने x लिया, सेकंड नंबर मैंने y लिया, ये ले लिया, ओके इक्वल कर दिया। 80% क्या होता है, 4/5x इज इक्वल टू 3/5y, ये कैंसिल कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 4x इज इक्वल टू 3y। अब इस y को इस तरफ ले आइए, तो 4x अपॉन y इज इक्वल टू 3, तो अब x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, आप ही बताइए मेरे को। सर आगे समझ गए? हाँ सर गलती समझ आ गई, वैल्यू निकाल दी थी सर। 80% को चेंज करोगे जब, 80% को कैसे लिखोगे, 80/100 नहीं लिखोगे। ओके चलिए, ज्यादा टाइम लेगा, ये क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा था, ठीक है, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, इसी से सीखेंगे हम। इंटरेस्टिंग, 8th, ये आज का पेपर स्टेज 1 का है बच्चे, स्टेज 2 का नहीं। 8th, कैरी ऑन, मैं कोशिश करूंगा बताने की। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पी रेशियो क्यू, देन क्यू रेशियो आर, क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसके बाद जैसा आपको बताया गया पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 1:4 एंड क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू 1:2। नाउ अगर हम सिंपल फॉर्मूले से चले, हमने इन दोनों को इक्वल करना है, मल्टीप्लाई द लोअर वन विद 4, तो इट बिकम्स 1:4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4:8, तो इट बिकम्स 1:4:8। सर इज इट एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, how you will say so? Sir, I think means are called the 4 and means 4,1 and extremes are the 2:1. नहीं, 2:1 means?
सर इन रेशियो वी हैड लर्नड दैट देयर मींस टू नंबर्स आर देयर लाइक फोर इन द मिडिल दे आर मल्टीप्लाइड एंड द एक्सट्रीम्स वी हैव मल्टीप्लाइंग द बोथ दैट इज प्रोपोर्शन दैट इज बच्चे प्रोपोर्शन दैट इज प्रोपोर्शन ओह सॉरी व्हिच यू आर सेइंग सो ना दैट इज प्रोपोर्शन ओके एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अब जैसे देखिए ये होता है ए अपॉन बी and c upon d then we can say ad is equal to bc ye hota hai extremes and means ha okay sir okay now come on to next one sir wo wala samajh nahi aaya ye question kaun se wala nahi samajh aaya bache ye wala number 1 ki value kaise nikle jo kaise nikle nahi maine okay chaliye main bana ek bar fir se batata check kijiye अच्छा पहले ही आपको ये नहीं पता चला मैंने p अपॉन q कैसे लिख दिया 1 by ratio 4 यस सर समझ आ गया फिर उसके बाद सब रेशियो कैसे किया वो समझ बच्चे ये तो बड़ा देखिए पहले तो आप मैं पोल एंड करता हूं देखिए p इज इक्वल टू q अपॉन 4 तो क्या मैं इसको p अपॉन q 1 by 4 लिख सकता हूं यस सर अब मैं यहां पे q अपॉन r इज इक्वल टू 1 by 2 लिख सकता हूं ये देखिए p रेशो q क्या हो गया 1:4 ओके चेक कीजिए मैं यहां पे क्या बना रहा हूं p रेशो q इज इक्वल टू 1:4 एंड q रेशो r इज इक्वल टू 1:2 हम क्या करते हैं बच्चे ये मैंने आपको एक शॉर्ट स्टेप बताया था कि हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं By multiplying with any quantity, तो हम नीचे वाली quantity को 4 से multiply करें, तो it becomes 4:8. अब इनको continue ratio में बना देते, तो how you will write it as 1:4:8. ये p ratio q ratio क्या हो जाता है? R हो जाता है. Yes sir, thank you sir. Check the result. ये तो हमने बहुत time पहले कर लिया था, but anyhow. तो सर मैंने कुछ ऐसे किया सर जैसे कि सर सर थोड़ा सा ऊपर करोगे हाँ सर जो पुराना क्वेश्चन था सर वहीं पे यस बोलिए सर इस इसमें मैंने ऐसे कर लिया कि q इक्वल टू 4p एंड q इक्वल टू 8 r ओवर 2 सर 4p इक्वल टू r ओवर 2 आ गया सर तो फिर आ जाएगा 8p इक्वल टू r सर तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि p रेशियो r इक्वल टू 1:8 हां बच्चे वही बात है ये जो मैंने ये सारा कुछ किया है ना ये उसी के से शॉर्टकट किया जो अभी आपने किया ना ये उसी फॉर्म को शॉर्टकट करने का मेथड जो अभी आपने कहा ना ये उसी से ड्राइव हुआ ओके Let us start with next. ध्यान से देखिएगा ये जो आ रहा है अभी क्वेश्चन अब मैं 3 ratios में मूव ऑन कर गया हूं 15 चेक इट बिल्कुल उसी तरह से लिखिए The number of students in 3 classes are in ratio 2x, 3x, 5x. Total क्या हुआ? 10x. If the number of students increased in each class, देखिए, इनको आप suppose कर लेंगे ना? 2:3:5 को आप suppose कर लेंगे. Let the student be 2x, 3x. And 5x. इसका मतलब total number of student कितने हो गए? 10x. Now each class increased with 20 student. तो इसका मतलब पहले वाली class में कितना हो गया? 2x plus 20. दूसरे वाले में क्या हो गया? 3x plus 20. And तीसरे वाले में क्या हो गया? 5x plus 20. Got my point. और आगे उसने क्या कहा? And their ratio is 4:5. बड़ा simple है. First and second.
यू विल राइट 2x plus 20 divided by 3x plus 20 is equal to 4:5. Because पहले दो की रेशो कितनी दी हुई है 4:5. अगर आप फर्स्ट और थर्ड की करेंगे 4:7. अगर आप सेकंड और थर्ड की करेंगे दिस वन. और यहां से आप एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चे x. बताएगा कोई व्हाट इज x? Very good. You will get 10. Sir, it is a variable. Sir, x is equal to 10. और आपसे क्या पूछा गया था? How many students are there? तो x की value यहाँ multiply कर दीजिए. Sir, मैंने Sir, it's 100. 10 into 100. Sorry. Okay. 100. Sir, 2x plus 20 is equal to 4x कर लिया. उसी आ गया 10. चलिए कोई बात. वो भी हो सकता. मैंने sir वो जो हमने पहले सब बच्चे आप जर्मन बोल रहे हो हमें समझ नहीं लग रही. ओके चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. हाँ वो भी हो सकता है बच्चे बट हर बार ऐसा हो जाए पॉसिबल नहीं है. तो वो ट्रिक था लग गया. बस मेरे को 16 क्वेश्चन बता दीजिए कि वी विल स्टार्ट लाइक दिस. एनीबॉडी सर मैं एक्स और वाई माइनस वाई बाय 5x बाय माइनस वाई इक्वल ओके. अब हम पूछते हैं किसी और से. दिव्या व्हाट इज योर रिस्पांस? दिव्या गुरप्रताप श्रीराम भास्कर राघव असाफ. बच्चे अनम्यूट करो ना अपने आप को. मेरा तो 51 आ रहा पता नहीं कैसे. जब आपको ही नहीं पता कैसे तो हम कैसे बताएंगे बच्चे. बस यहीं पे गलती हो रही है. देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को x से डिवाइड कर दिया फिर वो जो क्रॉस वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला. बच्चे डिवाइड क्यों करना है? देखिए उसने क्या कहा व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ. तो बोथ का मतलब है यू मस्ट सब्ट्रैक्ट 27 माइनस वाई एंड 35 माइनस वाई. और अब ये किसके इक्वल आना चाहिए 2/3 के. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. एम आई राइट? सॉल्व कर दीजिए बच्चे गेट द वैल्यू ऑफ वाई. और क्या इसमें? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था सर. मैंने इसमें हीट एंड ट्रायल कर दिया. चलिए कोई बात. सर एक्चुअली सर मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी वो 2 को ही ना 227 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हर किसी में आप जो है हर किसी में गड़बड़ कर जाते हो. अभी ध्यान से किया करो. ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस वन 28.
स्लो एंड एक्यूरेट, जल्दबाजी नहीं करनी। ज्योता, रेशियो ऑफ ज्योता इज टू प्रदीप इज, पता लगा कौन सा क्वेश्चन है? यस सर। विच क्वेश्चन? सर 28। यहां ज्योता कहां लिखा है? सर मे आई आंसर? सर 15 इयर्स सर सी। चलो कंफ्यूज मत। 21 इयर्स। एक्सक्यूज मी सर, सर द एजेस विल बी एडेड ना 26 एंड 6। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, अब जिन्होंने गलत बोलना है उनको बोल लेने दो पहले। सर आंसर इज 15। सर आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए क्या कहा उसने, रेशियो ऑफ अशोक की, एक मिनट, 21। पहले सुन लीजिए क्वेश्चन को, 28th नंबर क्वेश्चन। रेशियो ऑफ अशोक एज टू प्रदीप एज इज 4:3। ओके, अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर? 6 ईयर। तो हम कैसे करेंगे? ठीक, अब देखिए, अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 ईयर के बाद वो 26 का होगा। इसका मतलब अशोक की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 ईयर है ना सर? 20। ओके, तो अब देखो हमने किसकी रेशियो प्रदीप की निकालनी है, प्रदीप और अशोक की रेशियो है 4:3। ओके, तो इसका मतलब प्रदीप की क्या बनेगी? 3:4 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो कितनी बनेगी बच्चे? 15। गलती कर गए थे ना कुछ? सर मैंने तो सही बोला था। चलिए ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। Yes. Sir, मुझे लगा now means after 6 years mean, मतलब sir इसमें I think so question present on, वो confused हो गया। जो ना जो words word word के questions होते हैं इसमें ना यही confusion होती है कि हम कुछ और समझाते, तो you should focus on each word कि वो क्या कहने जा रहा है। किसी को doubt तो नहीं इस question में जो 21 कह रहे थे? I know। अच्छा, जो किसी ने 21 लिखा था बच्चे, please वो बताएं उसने क्या understand किया। सर मुझे लगा कि सर 6 years means after 6 years जो present उसका now है, तो सर उसमें हुआ, so I just added 26 plus 6। तो मैंने भी 6 years मैंने वो add रखा था उसमें, add करके था। चलिए कोई बात, आगे से ऐसी गलती नहीं कर। ओके, एक और देखिए, 37, थोड़ा सा लेंथी करते। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथ बनाई गई है इस क्वेश्चन। चिंतामणि, हाँ जी, स्टार्ट करें क्या आप ट्राई कर रहे हो? सर प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके सर,
अभी ट्राई करें सर. ओके ओके आई एम वेटिंग सॉरी. Sir, fill in the poll. देखिए, आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इट. हम सिंपल सी करेंगे. लेट द एजेस बी 2x, 3x, 7x एंड 8x. दीपा, निशा, मिसेस चिंतामणि, मिस्टर चिंतामणि. अब उनकी टोटल एज कितनी है बच्चे? 140. तो आप इनका सम करेंगे and put it equal to 140. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, anybody? What is the value of x? 30 years. क्यों होगा? Sir, answer or x? नहीं नहीं, x. मैंने x पूछा. Sir, x is equal to 6. Sir, x is equal to 6. Sir, x is equal to 6. Very good. X is equal to क्या हो जाएगा? सर लेकिन उसमें 140 की जगह 120 आएगा ना, 5 प्लस अगो. सर आपने प्लस 5 क्यों नहीं किए? ओके 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 ओके. हाँ बच्चे, एक और गड़बड़ होगी मेरे से. इसमें हर एक में 5 ईयर ऐड करना, तो हम क्या करेंगे उसमें 20 और ऐड करेंगे. सर राइट 20x प्लस 20 और ये फिर 140 की क्लोज. ओके, नाउ यू विल गेट x इज इक्वल टू 6. Am I right? अब उसने पूछा था बच्चे, प्रेजेंट एज ऑफ दीपा फाइंड आउट कर दीजिए बच्चे, क्या होगी? सर 30 years. सॉरी सर 12 years. नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट एज 70 years. उसने पूछा था हाउ मेनी इयर्स वुड दीपा बी ओल्ड एज प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज मदर. तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बच्चे. मिसेस चिंतामणि और दीपा की एज वो आ रही है 47 एंड 17. तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 30 years. चेक कीजिए. रिया, यही आ रहा है बच्चे? यस सर. सर 47 और 47 कैसा है? मेरे तो 42 और 12 आ रहे हैं. बच्चे 5 ईयर ऐड नहीं करने उसमें. यस सर. चलो अगर नहीं करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है. एजेस तो डिफरेंस तो वही रहेगा ना जो है. सर आंसर क्या है? 30. Got my point? अभी आपसे थोड़ी सी बात करें.